सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके चैनल टेक्नो रोहित को सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोग उस वीडियो को इजीली देख पाएंगे। तो रिलायंस जियो टेलीकॉम मार्केट में धमाल मचाने के बाद अब लैपटॉप लॉन्च करने जा रहा है। तो जी हाँ, आपने सही सुना, रिलायंस जियो का एक नया लैपटॉप आएगा जो कि पूरी तरह से तैयार हो गया है, ऐसा माना जा रहा है। तो उसमें आपको जियो सिम का सपोर्ट भी मिलेगा। तो ये एक बजट लैपटॉप होगा जो कि रिलायंस जियो की तरफ से आएगा। तो आपको पता होगा कि रिलायंस जियो ने सिम लॉन्च करने के बाद एक अपना मोबाइल भी लॉन्च किया था जो कि था लाइफ मोबाइल। तो मोबाइल लॉन्च करने के बाद उन्होंने अब रिलायंस जियो का डीटीएच और रिलायंस जियो सेट टॉप बॉक्स लॉन्च करने जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जो कि रिलायंस जियो डीटीएच है वो आपका लॉन्च होगा अप्रैल के लास्ट में, और जो कि सेट टॉप बॉक्स होगा वो होगा आपका जुलाई में। जी हाँ, सेट टॉप बॉक्स आपका जो लॉन्च होने वाला है वो होगा अप्रैल में, और रिलायंस जियो का जो लैपटॉप है वो होगा जुलाई में लॉन्च। तो ये पूरी तरह से कंफर्म न्यूज़ है जो मैं बता रहा हूँ, आपका रिलायंस जियो लॉन्च होगा जुलाई महीने में। तो चलिए मैं आप एक एक करके इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे और क्या क्या इसमें आपको मिलेगा और इसकी प्राइस क्या रखी गई है। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो इसकी प्राइस होगी 15,000 से 20,000 के बीच हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। 15,000 से 20,000 के बीच में आपको लैपटॉप मिलेगा जो कि एक बढ़िया लैपटॉप होगा, काफ़ी अच्छा लैपटॉप होगा। तो ऐसा माना जा रहा है कि इसकी प्राइस 15 से 20 हज़ार के रुपए में होगी, पर अभी तक पूरी तरह से कंफर्म नहीं आई कि कितनी प्राइस इसमें रखी जाएंगी। अगर मैं इसकी फ़ीचर्स की बात करूँ तो इसमें आपको मिलेगा 13.3 इंच का डिस्प्ले जो कि रेजोल्यूशन होगी इसकी 9080x1080 पिक्सल के साथ। जी हाँ, इसकी 13.3 इंच का ये डिस्प्ले होगा जो कि लैपटॉप का साइज होगा, डिस्प्ले का साइज। इसमें आपको 4G का सपोर्ट मिलेगा, 4G इसमें आपको मिलेगा रैम और इंटरनल मेमोरी मिलेगा 128 GB का साथ। जी हाँ, 4GB का आपको इसमें आपको रैम मिलेगा और इंटरनल मेमोरी मिलेगा 128 GB का। तो 128 GB का अगर इसकी मैं वेट की बात करूँ तो इसकी वेट है 1.2 kg। जी हाँ, 1.2 kg, मतलब 1 kg के आस 1.5 kg के आसपास, तो काफ़ी हल्का ही होगा लैपटॉप के मामले में। इसमें आपको USB सपोर्ट करेगा जो कि 3.0 USB पोर्ट सपोर्ट करेगा, ब्लूटूथ 4.0, सिम कार्ड इंसर्ट का भी इसमें आपको सहायता मिलेगा, आप इसमें सिम कार्ड लगा सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें आपको विंडोज़ या क्रोम OS मिल सकता है। जी हाँ, अभी तक पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा। तो अगर आपको बताया जा रहा है कि विंडोज़ या क्रोम में से कोई एक हो सकता है, अगर आपको एंड्रॉयड होगा तो शायद क्रोम ही दिया जाएगा क्योंकि विंडोज़ नहीं दिया जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। ज़्यादातर चांस है कि आप लोगों को क्रोम ही मिल सकता है। इसमें आपको फ्रंट में एक HD कैमरा मिल रहा है जो कि वीडियो कॉलिंग करने के लिए दिया जा रहा है। जी हाँ, इसमें आपको फ्रंट में एक HD कैमरा मिल रहा है जो कि वीडियो कॉलिंग करने के लिए होगा, तो एक अच्छी बात है। आपको फ्रंट में HD कॉलिंग का कैमरा HD कैमरा लगा हुआ है आपको जो जियो का सेटअप बॉक्स में। इसमें आपको प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको मिलेगा इंटेल का पेंटियम क्वाड कोर। जी हाँ, इंटेल का पेंटियम क्वाड कोर प्रोसेसर जिसमें 4GB का 4GB या 6GB रैम, अभी तक क्लियर नहीं गई है, या 4GB मिल सकता है या 6GB भी मिल सकता है। 128 GB आपको मिलेगा एक्स्ट्रा इनबिल्ट मेमोरी, 128 GB। जी हाँ, 128 GB मिल रहा है यहाँ पर आपको। तो देखते हैं कि अगर इसकी मैं प्राइस की, तो मैं प्राइस बता ही दिया, 15 से 20 हज़ार के बीच आसपास होगा इसकी प्राइस। इसमें आपको विंडोज़ या क्रोम मिल सकता है। 13.3 इंच का इसमें आपको डिस्प्ले मिलेगा, 4G वोल्टी सपोर्ट करेगा, ये एक अच्छी बात है कनेक्टिविटी के लिए। 4G सिम आपको 4G वोल्टी का सपोर्ट मिलेगा। ऐसा माना जा रहा है कि ये लेफ्ट साइड में सिम का स्लॉट दिया जाने की खबर आई है, लेफ्ट साइड में आपको सिम का स्लॉट मिलेगा। तो देखते हैं कि कब तक ये लॉन्च करता है। इसकी स्पेसिफिकेशन तो मैंने आपके बता दी, ये 4G वोल्टी लैपटॉप होगा। इसमें आप वीडियो कॉलिंग के लिए HD कैमरा भी दिया गया है, तो काफ़ी अच्छा लैपटॉप होगा माना जा रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि बाकी लोगों को भी इसकी जानकारी पहुँचे और वो लोग भी ये लैपटॉप बुक कर सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।